हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर जीके जीएस। शिवशंकर जीके जीएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज का आपका क्लास है इंग्लिश का, और इंग्लिश में न्यू टॉपिक है कंजक्शन। क्या है टॉपिक आज का? कंजक्शन, जो पैरामेडिकल में हर साल पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछता रहेगा। देखिए, कंजक्शन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, ये सेंटेंस बनाना रहता है, इसमें मीनिंग दिया हुआ रहेगा आपको और सेंटेंस बनाना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कंजक्शन क्या बोलते हैं, कंजक्शन यानी दो शब्द, कन और जक्शन। जक्शन मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, रेलवे जक्शन, जहाँ पे सभी दिशा के ट्रेन आके मिलता है उसको बोलते हैं जक्शन। तो बिल्कुल वैसा ही कंजक्शन क्या बोल रहा है, कंजक्शन यानी शब्दों के मेल को, यानी जहां पे शब्द, सभी शब्द, ये जितने शब्द लिखा हुआ है, ये सब शब्द एक दूसरे से मेल करता है, एक दूसरे को मेल करके पूरा करता है, उसको बोलते हैं कंजक्शन। यानी कंजक्शन का हिंदी ही होता है क्या, मेल करना हिंदी होता है, मेल हिंदी होता है, संयोग हिंदी होता है, और इसका हिंदी होता है अव्यय। क्या? अव्यय। यानी कंजक्शन का हिंदी ही होता है मेल संयोग अव्यय। यानी समझ लीजिए, शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, कंजक्शन। तो कुछ करना है जी, खाली मिला देना है आंसर को, आपको एग्जाम में देल रहेगा सेंटेंस, खाली मिला दे, टिक मारना है। अच्छा सही, तो सही। देखिए आपको कंजक्शन, तो यहां पे देखिए कैसे क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को भी दबाना। और एक बात, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, उस पर मैसेज कर करके पीडीएफ ले लीजिएगा जरूर। देखिए यहाँ पे मीनिंग कुछ दिया गया है, आपको मीनिंग याद रखना है, और इसी मीनिंग को, यही मीनिंग है और यही शब्द है, इसी शब्द को आपको सेंटेंस में मिलाना है, तबे बनेगा कंजक्शन, यानी मेल मतलब जक्शन। देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया है आपका, पहला मीनिंग है व्हाट। क्या है व्हाट? बट मतलब क्या, आप सब जानते हैं कि बट मतलब होता है लेकिन, बट लेकिन, बल्कि सिवाय। बट का हिंदी क्या होता है, लेकिन, बल्कि सिवाय। इसको याद रखिएगा कि बट का मतलब लेकिन, बल्कि सिवाय। इस पर सेंटेंस कैसे बनाएंगे, कुछ भी बनाइए। मैं खाना खा रहा था लेकिन अचानक से कुछ याद आया, इस पर सेंटेंस बनाइए कि मैं खाना खा रहा था बट कुछ याद आया। देखिए उसके बाद है फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इस सब, इस पर सेंटेंस बता रहा हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए कॉपी में। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, ये सब अलग अलग है। फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, ये सब चारों का जो मीनिंग का अर्थ होता है ना हिंदी, सबका एक ही होता है, क्योंकि या चुकी। क्या? क्योंकि। आई फोर मतलब क्या होता है, क्योंकि या चुकी, या के लिए भी होता है। आइज क्योंकि चुकी, बिकॉज क्योंकि चुकी, सेंस बिकॉज क्योंकि चुकी, ये मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद है आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज, विल। क्या? आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज, विल, टू, एज, विल, इसका मतलब होता है क्या, भी, इसका मतलब होता है भी। उसके बाद है आइज मतलब जैसा, के तौर पर, के नाते, यानी आइज का हिंदी क्या होता है, जैसा, के तौर पर, के नाते, मीनिंग याद रखना है। उसके बाद आइज प्लस एडजेक्टिव प्लस आइज, आइज प्लस एडजेक्टिव प्लस आइज, यानी कहने का मतलब कि आज मतलब क्या, उतना ये दिल रहेगा, मीनिंग आपको इस टाइप से दिल रहेगा, आज रहेगा, प्लस दिल रहेगा, फिर बीच में एडजेक्टिव रहेगा, कुछ मीनिंग एडजेक्टिव दिल रहेगा, उसके बाद दिल रहेगा प्लस आज, यानी कहने का मतलब उतना, जितना, यानी उतना ही खाओ जितना पचा सको, सेंटेंस बना दीजिए, और बीच में एडजेक्टिव कोई शब्द घुसाइए, सेंटेंस बन जाएगा। आज सुन आज, उसके बाद है आज सुन आज, और उसके बाद दी मोमेंट। क्या? आज सुन आज और दी मोमेंट, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही। आज सुन आज मतलब जैसे ही, और दी मोमेंट मतलब जैसे ही। इस पर सेंटेंस बनाया कैसे, जो जैसा करता है
यानी आपने किया वैसे ही, जैसे आपने किया वैसा ही, जैसे आपने किया वैसा ही हुआ सेंटेंस। इसका आपको सिंपल याद रखना कि पैरामेडिकल में आपको चार सेंटेंस बना हुआ दिया हुआ रहेगा, इस पे सिर्फ आपको सही टिक लगाना कि कौन सा सही होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, खाली सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, आपको खाली वहां पे चुनना रहेगा। उसके बाद एज बेल एज, एज बेल एज इसका हिंदी होता है साथ ही साथ, क्या होता है साथ ही साथ। उसके बाद एज फॉर एज, क्या एज फायर एज, एज फेयर एज, यानी जहां तक, एज इफ एज ट्रॉट, यानी एज इफ एज ट्रॉट, यानी मानो जैसे कि, मानो जैसे कि, इसका हिंदी होता है एज इफ मानो जैसे कि, एज ट्रॉट मानो जैसे कि। उसके बाद है एज एट, एज एट एट टेल नाउ बाई नाउ सो फार, एज एट एट टेल नाउ बाई नाउ सो फार, यानी इस सब का मीनिंग, एज एट मतलब अभी तक, एट मतलब अभी तक, टिल नाउ मतलब अभी तक, बाई नाउ मतलब अभी तक, सो फार मतलब अभी तक, यानी सबका मीनिंग का अर्थ होता है एक ही, अभी तक। अब देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनाना है, वट है तो वट पे कैसे सेंटेंस बनता है, देखिए देखिए सेंटेंस यहाँ पे हमने बनाया, आप अपने तरीका से बनाइएगा। यहाँ पे हमने बट से बनाया, क्या किससे, बट से, बट पे सेंटेंस बनाया है कि मैं आपके घर के सिवाय, मैं आपके घर के सिवाय, सिवाय आ रहा है या अलावा कहीं भी जा सकता हूँ, मैं आपके घर के सिवाय या अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। इसमें सेंटेंस इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई कैन गो एनी वेयर बट योर होम, बट आ रहा है ना, बट आ रहा है, बट मतलब क्या, सिवाय या अलावा बल्कि या लेकिन, तो बट योर होम यानी तुम्हें, ये कह रहा है कि मैं आपके यानी तुम्हारे घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूं, कह रहा। बस ऐसा ही आपको ये सेंटेंस जो है ना ये पैरामेडिकल में दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको ऐसा ऐसा चार सेंटेंस दे देगा, उसमें से एक सेंटेंस सही रहेगा बना हुआ, और आपको जो आपको सही लगे वो रंग के आना कि ये सही होगा, सेंटेंस बना हुआ रहेगा। उसके बाद है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के, क्या कि मैं कुछ भी कर सकता हूं सिवाय तुम्हें पीटने के, समझे ना, इस पर सेंटेंस बनाइए। आई कैन डू एनी थिंग बट आ रहा है ना, बट बीट यू, बीट माने पिटना होता है, बट तो बट आ रहा है ना सिवाय तुम्हें पिटने के, तो क्या बट आ रहा है, बट का प्रयोग हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही, जंक्शन नाम है, कंजक्शन एकदम दोनों पटी शब्द है और बीच में बट लगा लिया यानी मिलाइले है, एक बोलते हैं कंजक्शन, देख रहा है दोनों के नाम जोड़ले है, आ जा मिलाइले है ना, ये बट पर दो सेंटेंस। उसके बाद देखिए फोर एज बिकॉज सेंस, इस पर सेंटेंस बनाते हैं, इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए देखिए फोर, फोर एज बिकॉज सेंस सेंटेंस, देखिए हमने सेंटेंस आपको अलग तरीके सोचना है, हम अपने तरीके सोच रहे हैं, तो आपको सेंटेंस ही बनाना, सेंटेंस बना रहेगा, चुनना रहेगा। देखिए चूंकि मैं बीमार था, या फिर यहां पे कह सकते हैं क्योंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, क्या कहना है कि चूंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया, या फिर क्योंकि लगा के बना सकते हैं, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, तो क्या कहना है नहीं आया था, देखो यहां कहना है कि इसको फोर लगा के सेंटेंस बनाइए, जब फोर लगा के सेंटेंस बनाए तो क्या बना, फोर, फोर लगा रहे हैं ना ये वाला फोर, फोर आई बाज अनबेल सो डिडंट कम, यानी डिड नॉट इसको बोल सकते हैं, डिडंट कम, इन आई बाज अनबेल सो डिडंट कम, समझे। अब आइज लगा के बनाइए, आइज लगा के, तो आइज ये सिर्फ सेंटेंस में आइज लगाना, आइज आई बाज अनबेल सो डिडंट कम, फिर लगाइए बिकॉज, तो बिकॉज भी वैसा ही करना है, बिकॉज आई वॉज अनवेल सो डिडंट कम, फिर लगाइए सेंस, तो सेंस लगा के भी वैसा ही बना सकते हैं, आई वॉज अनवेल सो डिडंट कम,
आई बाज अनबेल सो डिडंट कम, कुछ भी लगा के बना सकते हैं। उसके बाद आप लगाइए, आप देखिए उसके बाद आल्सो इवन आइदर टू एज बेल पे लगा के सेंटेंस बनाना। आपको सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जो आपको सही लगेगा उस सेंटेंस को, जो आपको मान लीजिए ए सही लगा तो ए सही लगा तो ए को रंग देना है, आपका आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है, देखिए आल्सो इवन आइदर टू एज बेल, इस सब का हिंदी क्या होता है भी। इस पर सेंटेंस कैसे बनाना है, हमने बनाया मैं अच्छा हूं, खराब थोड़े हूं, मैं अच्छा हूं, गलत मत समझना, मैं अच्छा हूं। तो देखिए इसमें सेंटेंस बनाया आई एम ऑल्सो गुड, मैं अच्छा हूं। भी ऑल्सो मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, भी मैं अच्छा भी हूं, मैं अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो गुड। उसके बाद टू पर कैसे बनाएंगे, आई एम गुड टू, आई एम गुड टू, मैं अच्छा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं गर्व से कह रहा हूं अच्छा हूं, आई एम गुड टू। उसके बाद आई एम गुड एज वेल है, क्या बोल रहा, आई एम गुड एज वेल, मैंने तो कहा ना कि मैं अच्छा हूं, आई एम गुड एज वेल। उसके बाद इवन आई एम गुड, देखिए देखिए कंफ्यूजन, इवन आई एम गुड कह रहा है कि यहाँ पे लगाए आल्सो, यहाँ पे टू, यहाँ पे एज वेल आए, और सबसे आगे लगाए इवन, ऐसा का है। तो देख लीजिए इवन यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इवन का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह या नॉट में करते हैं, जिसमें नहीं लगा हो उसमें कहते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस होता आपका क्या मैं अच्छा हूं, क्या बोल रहा है, क्या मैं अच्छा हूं, तो क्या कह रहा है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या मैं अच्छा हूं, बताओ अच्छा हूं ना, क्या मैं अच्छा हूं, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इवन आई एम गुड, इसका आंसर क्या होगा, इवन आई एम गुड, यानी इवेन का प्रयोग, इसका प्रयोग, इवेन का प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह या नहीं वाला सेंटेंस में करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है मैं भी अच्छा नहीं हूं, कहा कह रहा है कि मैं भी अच्छा नहीं हूं, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव आ रहा है, नहीं कह रहा है ना, तब इसमें इवेन का प्रयोग होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, इवेन आई एम नॉट गुड, क्या कह रहा है, इवेन आई एम नॉट गुड, या इसको बना सकते हैं दूसरी भाषा में आई एम नॉट गुड आइदर। देखिए अभी ना आपको बोले क्या प्रश्नवाचक चिन्ह था, क्या मैं अच्छा हूं, तो बना इवेन आई एम गुड और मैं अच्छा हूं के, इतना तो देखिए लिए। यहाँ पे कह रहा है मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो इसका क्या होगा, आई एम नॉट गुड आइदर, क्या आई एम नॉट गुड आइदर, आइदर भी लग रहा है, आइदर अच्छा नहीं हूं, लेकिन क्या कह रहा, इवन आई एम नॉट गुड, तो इवन क्या है, इवन प्रश्नवाचक चिन्ह है और साथ में नॉट भी लगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्या, यहां पे लगेगा क्या मैं भी अच्छा नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, इवन आई एम नॉट गुड, समझे। उसके बाद वो भी तेरे मेरे साथ नहीं है, देखिए कह रहा है वो भी मेरे साथ नहीं है, तो कह रहा है किसके साथ नहीं है, मेरे साथ, तो इस सेंटेंस में नहीं लगल है, तो नहीं वाला में क्या बताए कि प्रश्नवाचक चिन्ह वाला में और नहीं वाला में क्या, इवन, तो क्या लग जाएगा, इवन देयर आर नॉट विथ मी, क्या दे आरंट नॉट विथ मी आइदर, देखिए वो भी मेरे साथ नहीं है, तो इवन दे आर नॉट विथ मी, या इसको बोल सकते हैं क्या वो मेरे साथ नहीं है, तो भी प्रश्नवाचक अगर इसके आगे क्या लगा दें कि क्या वो भी मेरे साथ नहीं है, तो भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन रहा है, तो क्या बनाएंगे, इवन लगा कर, इवन They are not with me, या इसको बोल सकते हैं आइदर लगा के बनाएंगे, तो आइदर में कि भी लगा हुआ है ना जी, तो भी में आइदर को कुछ भी लगा सकते हैं, तो आइदर लगा दिए, तो they aren't यानी they are not with me either,
अरंट लिखा हुआ इसका मतलब आर नॉट लिखा हुआ, समझे ना, दे आर नॉट विथ मी आइदर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कुछ सेंटेंस, हमने आपको बताया दो तीन वर्ड्स का मीनिंग का, और आप अपने से सोचिएगा और बनाइएगा, ठीक है ना, कॉपी पर बनाइएगा अपने से सेंटेंस सोच सोच करके जितना आप सोच सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं पारा मेडिकल का। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।